हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय हम लोग SSC में इंग्लिश PYQ चल करा रहे हैं, और इस समय जो PYQ चल रहे हैं वो कौन से हैं, MTS के हैं। अच्छा, MTS के पहले सारे के सारे, जैसे CHSL हो गया, CGL हो गया, ठीक है, CGL है, CHSL है, और इसके पहले CPO है, ठीक है, और CPO के अलावा स्टेनो है, ठीक है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो पेपर होता है ACIO वाला, वो है, ठीक है। ये सारे के सारे पेपर 2022-23 के डिस्कस हो चुके हैं, पूरे के पूरे सेट, एक भी सेट बाकी नहीं है। कई बार ये लोग क्वेश्चन, सर सारे सेट, जब मैं लिखा हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि सारे सेट कराए हैं, तो बार बार ये क्यों पूछते हो भाई कि सारे सेट हैं क्या, सारे सेट आप गिन डालो, सारे के सारे सेट होंगे, जिसमें जितने सेट हुए होंगे, एक भी मीटिंग का पेपर छोटा हुआ नहीं है, ठीक है। और इस समय हम लोग क्या चल रहे हैं, MTS का, तो MTS का 2021 हो चुका है, 22 चल रहा है। अब कहोगे 22 नहीं, 23 नहीं हुआ होगा, 21 और 23 ऑलरेडी हो चुका है, 22 ही बाद में शुरू हुआ, तो ये कंटिन्यू है, ठीक। तो इसमें मई अभी चल रहा है, 19th मई का पेपर देखिए आपके सामने है, 19th मई का शिफ्ट 2 करने जा रहे हैं, शिफ्ट 3 हो जाएगा, उसके बाद मई का पेपर ख़त्म हो जाएगा, मई के बाद फिर शुरू होगा आपका जून का पेपर, जून में भी 10-12 पेपर हैं, वो हो जाएंगे, तो हमारा ये कोटा पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और रात में 10 बजे आजकल लाइव चल ही रहा है, रात में 10 बजे क्या, इस समय क्या चल रहा है, इस समय क्वेश्चन चल रहे हैं फिलर के, ठीक है ना बेटा, फिलर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। और फिलर्स में हमने CGL 2023 के जितने भी फिलर्स थे वो सारे कर चुके हैं, आज शुरू करने जा रहे हैं CHSL 2023 के सारे फिलर्स, जितने भी CHSL 2023 में जितने भी फिलर्स आए थे सारे के सारे आज रात में, और अगर ज़्यादा हुए तो आज रात और कल रात दोनों में ख़त्म हो जाएंगे, कितने बजे, रात के 10 बजे। आई होप कि रात में 10 बजे हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखो ये फिलर का ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आई ऑफन फील कि आई एम एन डैश, अक्सर मुझे लगता है कि मैं डैश हूँ। आई वुड बी मोर एट होम एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी दैन टूडे, इन्होंने कहा एट द टर्न ऑफ सेंचुरी, जब सेंचुरी चेंज होगी तब, अब आज की अपेक्षा, मतलब क्या हुआ, इनको ये लगता है कि मैं समय के अनुकूल नहीं हूँ, जैसा इस समय समय चल रहा है उससे मैं आगे हूँ, ठीक है, उससे मैं आगे हूँ। जिसे सपोज कि ये इस समय, सपोज क्या, इस समय 2024 चल रहा है, और कोई आदमी उस तरह की लाइफ स्टाइल जी रहा हो जो जो हमारे देश में 2050 में होने वाला है, तो 2050 में जैसा लाइफ, जैसी लाइफ होगी, उस तरह का जीवन आज कोई जिए तो उसको हम क्या कहते हैं, समय के बहुत आगे। या कोई ऐसा जीवन जी रहा जो 1950 में चलता था, तो अब समय से बहुत पीछे है, मतलब समय के अनुसार नहीं है। तो टाइम के लिए क्या यूज किया जाता है, क्रोन, एक वर्ड होता है क्रोन, ठीक है ना, क्रोन, इसी से बनता हो सिंक्रोनाइज, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब सब कुछ क्रम के अनुसार, सिंक्रोनाइज मतलब दोनों चीज़ों को एक में मैच करा देना, ठीक है। तो क्रोनोलिज्म, ठीक है ना, एक होता है क्रोनिज्म, क्रोन, यहाँ देखो क्या लिखा है, क्रोन, क्रोन में क्या हुआ, क्रोनिज्म, ठीक है, समय से रिलेटेड हो गया। एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या हुआ, एना का मतलब क्या हुआ, अपोजिट हो गया, नॉट हो गया, तो नॉट अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब हम जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं वो अपनी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, या तो उसे बहुत आगे या तो बहुत पीछे है, तो आपका आंसर यही होगा, एनाक्रोनिज्म। क्यों होगा, कारण मैंने बताया। अपैथी क्या होती है, देखो पैथी का मतलब होता है किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, किसी चीज़ के प्रति हमारी फीलिंग है, अगर फीलिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपैथी हो जाएगा। अपैथी मतलब अरुचि होता है, हमारी उस चीज़ में कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इसको डिसइंटरेस्टेड कह सकते हो, ठीक है ना, अनइंटरेस्टेड, अरुचि हो गई। एनालोगस, तो देखो एनालोगी क्या चीज़ होगी, बताओ एनालोगी, आप लोग रीजनिंग लगाते हो तो एनालोगी क्या होती है, सादृश्यता, क्या होता है, सादृश्यता, दो चीज़ें जब एक दूसरे के समान होती हैं तो समानता, सादृश्यता। एनालोगस का मतलब क्या हुआ, समान है, जिसमें कंपैरिजन किया जा सकता हो। अवेरिश का मतलब क्या होता है, ग्रीड होता है, लालच होता है। तो आज के तो चारों ऑप्शन में कर बढ़िया बढ़िया मतलब निकल गए, आंसर आपका ये वाला है, बाकी चारों का मतलब मैंने बता दिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाले में देखो ये ब्रैकेटेड है, कह रहे हैं कि इस ब्रैकेटेड पार्ट में अगर कोई गड़बड़ी है, कुछ एरर है, idiom है वैसे ये, तो अच्छा नहीं, मीनिंग बतानी है इसको, गड़बड़ी वाला बात नहीं, इम्प्रूवमेंट वाला नहीं है,
ठीक है ना, तो इसमें मीनिंग बतानी है आपको, ठीक है। तो लिखा है कि हिस्ट्री सर्टेनली गिव्स यू, जो इतिहास है वो निश्चित रूप से आपको देता है क्या, समथिंग टू थिंक अबाउट, कुछ सोचने के लिए। हिस्ट्री आपको कुछ न कुछ सोचने के लिए देती है। आगे लिखा है कि डजंट इट, है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप सूटेबल एडियम यूज करो। एक गोल्डन हैंडशेक क्या होता है बताओ। गोल्डन हैंडशेक का मतलब, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक क्या होता है, कभी वॉलंटियर रिटायरमेंट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वॉलंटियर रिटायरमेंट क्या होता है, जैसे किसी आदमी को 60 इयर्स में रिटायर होना है, वो 5 साल पहले रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसको 5 साल में जितनी सैलरी वैलरी पाता वो, तो उतना घोड़ा भाग करके लोग कुछ हिसाब से एक अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट उसको पे करते हैं। तो वॉलंटियर रिटायरमेंट के पहले, मतलब वो समय के पहले अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो उसके बदले में आपको जो एक हैंडसम अमाउंट मिलता है उसी को गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। कप ऑफ जो, तो कप ऑफ जो की एक्चुअली मीनिंग होती है कप ऑफ टी, ठीक, कप ऑफ सॉरी टी नहीं कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी उसको कहते हैं। और देख चीज़ और होती है, पर्सनल चॉइस या पर्सनल प्रेफरेंस भी होता है कप ऑफ जो। फूड फॉर थॉट, फूड फॉर थॉट का मतलब क्या हुआ, हमारे दिमाग के लिए भोजन, हमारे थिंकिंग प्रोसेस के लिए भोजन। तो यही तो इन्होंने कहा कि हिस्ट्री गिव्स यू समथिंग टू थिंक अबाउट, इतिहास हमें कुछ देता है सोचने के लिए, तो हमारी थॉट को भोजन देता है, हमारे दिमाग को भोजन देता है। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3। 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, 40 विंग्स मतलब स्लीप होता है, नींद होता है, ड्राउजीनेस होता है, जिसको हम कहते हैं ना झपकी लेना, वो होता है 40 विंग्स। ये आ चुका है आपके SSC के एग्जाम में, 40 विंग्स आया हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन। अब ये क्या होगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। चलो देखो, एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट टम्ब या ग्रेव, टम्ब मकबरे पर या कब्र पर, डेड बॉडी के बारे में या दिवंगत डिपॉर्टेड सोल के बारे में जो कुछ भी लिखा होता है, उनके नाम, जन्म तिथि, मृत्यु और उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा होता है, समाधि लेख जिसको कहते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिटाफ कहते हैं, ठीक है। एपिटाफ मतलब व्हाट एवर इज रिटन अबाउट द डिपार्टेड सोल ऑन इट्स ग्रेव, उसके ग्रेव पर जो लिखा हुआ है उसको एपिटाफ कहते हैं। ओड का मतलब होता है एक तरह से, जैसे बिरहा सुना होगा, बिरहा या आल्हा टाइप का एक गीत होता है, ये एक कहानी है, अ स्टोरी इन पोएम, ठीक है। ये क्या हो गया, सीधे समझो, अ स्टोरी इन पोएम, पोएम के फॉर्म में एक कहानी होती है। अब ये दो तरह की होती है, बैलेड भी होता है पोएम के फॉर्म में कहानी, ऑड भी होता है पोएम के फॉर्म में कहानी। अब लेकिन ऑड में क्या होता है, एड्रेस्ड टू समवन, ये किसी को एड्रेस्ड होती है, ठीक है, एड्रेस्ड टू समवन, किसी पर्सन को एड्रेस्ड होती है ये। इम्प्रिंट का मतलब होता है, इम्प्रिंट का मतलब होता है कोई चीज़ कहीं पर छपी हुई है। छपी कैसे होती है, जैसे खुरच के लिख दिया तो इम्प्रिंट हो गया। और कार्विंग का मतलब क्या हुआ, उकेरा, उकेरा का मतलब क्या हुआ, ऊपर से चिपका के लिखा है, ठीक। अगर ऊपर से चिपका के लिखा है तो कार्विंग है, और खुरच के लिखा हुआ है तो इम्प्रिंट कहा जाता है उसको, दोनों लिखने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नंबर 4 में आओ, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये एरर का मैटर है, सॉरी, आई विल बी लेट एज, इन्होंने कहा कि मुझे देर हो जाएगी क्योंकि एज अ फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू द बैड वेदर। किसी ने फोन करके घर वालों को या मीटिंग वीटिंग कहीं बताया होगा कि भाई सॉरी मुझे देर हो जाएगी क्योंकि फ्लाइट वेदर के नाते देर से चल रही है, लेट हो गई है। अब ये बताओ कि ये कोई फ्लाइट है क्या, कि कोई फ्लाइट लेट हो जाएगी, यहाँ तो फ्लाइट फिक्स है ना, जिस फ्लाइट में हम बैठे हैं उसी फ्लाइट की बात कर रहे हैं ना, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडेफिनेट फ्लाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट फ्लाइट, द फ्लाइट इन विच या बाय विच वी आर सफरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आ की जगह क्या लगाएंगे आप, द लगाएंगे, ठीक है। तो ये एज अ फ्लाइट आ लगाना गलत हो गया, यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में आओ, ये रही जगह खाली, यहाँ जो इवन द रूल्स फॉर स्पेलिंग कैन काज यू टू डैश, देखो इवन द रूल्स फॉर स्पेलिंग कैन काज यू टू डैश, इन्होंने कहा कि जो स्पेलिंग के रूल्स हैं संभावना है कि वो भी आपसे गलती करवा लें। तो मिस्टेक के लिए क्या लगाते हो बताओ, हैपन अ मिस्टेक, हैव अ मिस्टेक, डू अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, तो ये सब कहीं नहीं होता, क्या होता है, मेक अ मिस्टेक, ये फ्रेज का फिलर था, सुटेबल फ्रेज लगाओ। मेक अ मिस्टेक हम लोग कहते हैं ना, या तो कमिट अ मिस्टेक कहते हैं, मिस्टेक के लिए क्या क्या लगता है, मेक अ मिस्टेक या
कमिट अ मिस्टेक, ठीक है, ये दो चीज़ें लगती हैं, मेक मिला है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, नो सब्सटेंशन रिक्वायर्ड, तो सेंटेंस पढ़ो, ये इतना ब्रैकेटेड है, जो ब्रैकेटेड है उसी में अगर कोई गड़बड़ी है तो फिर आपको करना है, इधर वाला छोड़ना है। लिखा द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क हैज इंक्रीज, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने बढ़ा दिया है, अब क्या बढ़ा दिया है, इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, फोर टाइम्स, चार गुना बढ़ा दिया है, बहुत बढ़िया, फ्रॉम लास्ट जनवरी, देखो जनवरी क्या होता है, जनवरी होता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो फ्रॉम नहीं लगेगा। दूसरी बात, यहाँ हैज इंक्रीज परफेक्ट टेंस है ना, परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में फ्रॉम वगैरह नहीं लगता। आपको याद है कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में केवल दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं, एक सिंस यूज होता है और एक फॉर यूज होता है, ठीक है, किसके लिए, फिर से नोट करिए, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, फॉर परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस ओनली टू प्रीपोजिशन आर अलाउड एंड दे आर सिंस एंड फॉर, तो सिंस एंड फॉर ही लग सकता है, तो फ्रॉम तो हर हाल में गलत ही है, ठीक है, तो एरर यहीं पर होगा, लेकिन इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है तो अगर कहीं फॉर मिल गया तो धोखा हो सकती है, देखो यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ ये नहीं हो सकता, यहाँ लिखा है फ्रॉम द लास्ट जनवरी, ये भी गलत हो गया, ठीक है, फ्रॉम वाला कोई नहीं होगा, फिर क्या होगा आपका, सिंस या फॉर में से सिंस दिया हुआ है, ये चौथा वाला आपका ऑप्शन होगा, परफेक्ट टेंस है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्पेलिंग एरर, ठीक है, थ्री, ठीक है, यहाँ लिखा है कि फोर सेंटेंसेज आर गिवन, थ्री हैव स्पेलिंग मिस्टेक, चूज द सेंटेंस विद ऑल करेक्टली स्पेल्ड, एक सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग एकदम से करेक्ट होगी, तो ही वाज अरेस्टेड तक सही है, ड्रंकननेस गलत हो गया, ड्रंकन में देखो पहले तो ड्रंक लिखो डी आर यू एन के हो गया, अब ड्रंकन ये हो गया एडजेक्टिव, अब ड्रंकननेस करना है तो इसमें एक एन और लगाओगे ड्रंकननेस तब हो पाए, ड्रंकन है ये नेस हो गया, तो यहाँ पे डबल एन होना चाहिए था, ये गलत हो गया। डंबल, डंबल जानते हो ना, वही डंबल जिससे एक्सरसाइज वगैरह करते हो बल्ले सल्ले बनाने के लिए तो डंबल इज अ शॉर्ट बार विद वेट ऑन आइदर साइड, वेट की स्पेलिंग ये तो नहीं होती, वेट की स्पेलिंग क्या होती है, डब्ल्यू ई आई जी एच टी, ठीक है, तो इनकी भी कहानी लग गई, ये भी नहीं होंगे। हिज परफॉर्मेंस एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस, उसकी परफॉर्मेंस सारी एक्सपेक्टेशंस सारी उम्मीदों को तोड़ करके आगे निकल गई, ठीक है, इसमें स्पेलिंग तो सही है, ठीक है, परफॉर्मेंस भी सही है, एक्सीडेड भी सही है, एक्सपेक्टेशंस भी सही है। चौथा चेक कर लेते हैं, ही वाज क्वाइट ह्यूमरस, ह्यूमरस की स्पेलिंग गलत हो गई, ह्यूमरस में क्या होता है, पहले देखो ह्यूमर में क्या होता है, एच यू एम ओ यू आर, लेकिन जब हम लिख देता हूँ ह्यूमर की स्पेलिंग ये होती है, जब ह्यूमरस बनाओगे ना तो क्या होगा, एच ओ एम, ठीक है ना, अब यहाँ ओ लगा दो, यू नहीं लगाना है, आर करो ओ यू एस कर दो, ये हो गया ह्यूमरस, ठीक है, तो ये स्पेलिंग गलत हो गई, अब ठीक है, तीसरा वाला पक्का हो गया, श्योर, ठीक है, दो में तो गलती मिली थी, चौथे में मिल गई, तो तीसरा वाला हमारा 100% श्योर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ दिखा नो इम्प्रूवमेंट और यहाँ भी दिखा नो इम्प्रूवमेंट, मतलब क्वेश्चन वही है कि जहाँ पर अंडरलाइन किया गया है अगर वहाँ कोई मिस्टेक है तो इम्प्रूव करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। द ड्रेस इज टू टाइट, ओहो टाइट में कहाँ से एस लगा दोगे भैया, एडजेक्टिव का कहाँ सिंगुलर प्लूरल होता है यार, तो टू टाइट क्या होगा, कहीं है टू टाइट, टाइटली तो होगा नहीं, टाइटेस्ट भी नहीं होगा, क्या होगा, टू टाइट, ठीक है, जब टू लगता है ये वाला टू, तो उसके साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, टू के साथ एडजेक्टिव कौन सा, पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है, ये सुपरलेटिव नहीं होगा और टाइटली एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब होता लग सकता था टू टाइटली, जैसे कहीं लिखा होगा कि ही वाज टू टाइटली बाउंड, उसको इतना कस के बांधा गया तब तो टाइटली होता, अगर उसके बाद वर्ब आ गई होती तो, पर ये यहाँ पे बांधने के लिए नहीं लगा है और किसी वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि वो टाइट खुद एडजेक्टिव के लिए लगा, तो टू टाइट लगाओगे वहाँ पे, ठीक है, तो फोर्थ इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर नाइन पे, नाइन में क्या करना है, एरर पहला ऑप्शन, देयर वर अ टाइम, लिखो भैया अ टाइम, यहाँ क्या लिखा, देयर वर अ टाइम, एक समय था, एक समय था तो क्या करोगे, देयर वाज अ टाइम, एक समय था, देयर वाज अ टाइम व्हेन साइंटिस्ट टुक दिस मिथ सीरियसली, जब वैज्ञानिक लोग भी इस मिथ को सीरियसली लिया करते थे, तो टाइम के लिए भैया वर नहीं लेगा, देयर वाज अ टाइम, एक समय तब भी हुआ करता था, चलो ठीक है, नेक्स्ट करें आगे, अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगले क्वेश्चन में क्या करना है, इडियम दिया हुआ है,
मीनिंग बतानी है आपको इन वंस एंड टूज। इन वंस एंड टूज का मतलब होता है इक्का दुक्का एक एक करके, कहें पीपल मतलब द गेस्ट वर कमिंग इन वन एंड टूज, मतलब क्या हुआ एक एक करके, एक गेस्ट आए फिर 10-15 मिनट बाद एक और आए, फिर 10-15 मिनट बाद एक और आए, मतलब क्या हुआ एक एक करके दो दो करके, एक एक करके दो दो करके आ रहे हैं, जिसका मतलब क्या हुआ इन स्मॉल नंबर्स, ठीक थोड़ी संख्या में। लार्ज मार्जिन होगा ये मार्जिन के लिए लगेगा, अनफेयर मीन यहाँ कौन सा तरीके की बात कर रहे हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ही मैलिशियसली, मैलिशियस क्या होता है पहले समझो, मैलिस क्या होता है, अरे ए पहले लिख दिया, मैलिस होती है दुर्भावना, हम किसी के प्रति किसी को के बारे में बुरा सोचे, जैसे हम जैसे सब कुछ कर कोई आदमी तैयारी कर रहा है किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, रात दिन मेहनत किया है वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई ये कहे कि भगवान करे उसका पेपर छूट जाए, हे भगवान उसका पेपर ख़राब हो जाए, तो ये मैलिस होगी आपकी दुर्भावना होगी, बुरी भावना होगी, आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो मैलिस से ही अगर हम मैलिशियस बना दें तो क्या हो गया ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, मैलिशियसली क्या हो जाएगा इसी का ढंग हो जाएगा तरीका हो जाएगा। ही मैलिशियसली मतलब क्या हुआ जानबूझकर बहुत बुरी फीलिंग के साथ डैमेज आकार विद बास्केटबॉल बैट, तो बास्केट मतलब बेसबॉल के बैट से उसने मार दिया कार पर जानबूझकर तोड़ा, तो डैमेज का मतलब क्या हुआ नुकसान पहुंचाया है तोड़फोड़ की है, तो इसका आंसर क्या होगा मार्ड, ठीक है। तो मार होता है एक बर्बाद करने के लिए, जैसे हम कहें कि फ्रेंड, आप इसको ऐसे याद रखिएगा अ फ्रेंड कैन मेक, अ फ्रेंड कैन मेक और मार योर कैरियर योर लाइफ, एक दोस्त आपके जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, मेक मतलब आपके लाइफ को बना भी सकता है, मार का मतलब बर्बाद भी कर सकता है, या कह सकते हो रुइन कर देना डिस्ट्रॉय कर देना, तो ये डैमेज जो होता है ना डैमेज मार, ये वर्ब आप लगा सकते हो, मार नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं अब सुन लो, एक एडियम भी है, तो मार का मतलब बर्बाद करते हैं, तो यही वाला आपका साइनोनिम हो गया सटीक रूप से, ठीक है। और लोडेड का मतलब समझ रही हो लदे होना होता, करप्टेड भ्रष्ट कर देना होता, मेंडेड तो ये मेंडेड क्या होता है रिपेयर, मेंड मतलब क्या होता है MEND, मेंड का मतलब क्या होता है रिपेयर कर देना, ठीक है ध्यान रखिएगा मेंड, मेंड मतलब रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अगला ले लो क्वेश्चन नंबर 12 में, तो इसमें एरर बतानी है, देखो हेयर इन ट्रुथ, देखो इन्होंने कहा सच्चाई ये है कि ट्रुथ हेयर लाइज द क्रक्स ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे द लगा हुआ द क्रक्स ऑफ द, ऑफ द लगा दिया तो यहाँ पर फिर पॉजिटिव डिग्री के पहले नहीं था, तो क्या लगता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है, ठीक है क्या लगा द जो है वो सुपरलेटिव पहले लगे, इन ट्रुथ हियर लाइज, अब इन ट्रुथ को आप जानते हो कान पकड़, ये एक्चुअली एक शैली है लिखने की कि हम किसी फ्रेज को बीच में ले आके डाल देते हैं, नहीं तो क्या होता है मीनिंग निकालने के लिए इसको पहले कर दो, इन ट्रुथ हेयर लाइज द क्रक्स ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, तो क्रक्स ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल होना चाहिए, तो द जो जो ग्रेट लिखा है ग्रेट ग्रेट शुड हैव बीन रिटेन इन ग्रेटेस्ट, ठीक है तो ये आपका आंसर हो गया। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये ब्रैकेटेड है, करना क्या है इसको इसका एग्जैक्टली अपोजिट देना है आपको, तो हैविंग एन एक्टिव यंगस्टर अराउंड द हाउस, अगर कोई युवा मतलब युवा लड़का है कोई एक मतलब क्या कह सकते हो 13-14-15 साल का हो यंगस्टर छोटा हो एक्टिव मतलब बहुत सक्रिय हो अगर घर के आसपास रहता है तो कैन बी क्वाइट वियरिंग, तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है बहुत वियरिंग हो सकता है। अब एक्टिव का मतलब क्या हुआ बहुत ही एनर्जेटिक होगा बहुत सक्रिय होगा, तो इसका अपोजिट बताना है तो लेजी और निष्क्रिय टाइप का चाहिए, तो लेजी और निष्क्रिय टाइप में ऑप्शन क्या होगा अबेंट हो जाएगा, अवेंट का मतलब क्या हुआ बहुत ही इनएक्टिव, ठीक है बहुत इनएक्टिव आदमी, सुबह कह दो कि भैया एक कप चाय पिला दो तो दोपहर में आपको चाय मिल जाएगी, उसी को कहते हैं ये ना ये इनएक्टिव व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। 13 का 3 हो गया। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है स्ट्रीमिंग मतलब एनर्जी से भरा हुआ होगा प्रोग्रेसिव बहुत तरक्की वाला होगा। बसलिंग, बसलिंग का मतलब क्या होगा मतलब जो उसकी एनर्जी है जो उसकी ताकत है वो मतलब फूट के निकल आ रही है रुकी मतलब जैसे कंट्रोल नहीं हो रही है ऐसे हो जाती है, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 14 नंबर पे, तो 14 नंबर में चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अपारेंट की स्पेलिंग APPARENT, हाँ ठीक है अपारेंट की मीनिंग एकदम सही, अपारेंट का मतलब क्या होता है एकदम से क्लियर, ठीक है
क्लियर या ऑब्वियस, एकदम साफ साफ ऑब्वियस। एक और वर्ड है इसके लिए लगता है एविडेंट, एकदम क्लियर, मतलब कोई डाउट नहीं, ये एविडेंट हुआ। प्लेज की स्पेलिंग क्या होती है, PLEDGE, प्लेज मतलब होता है शपथ लेते हैं, जो कसम खाते हैं। एक्वायर का मतलब क्या होता है, AC लगना चाहिए था ना, ACQUIRE, एक्वायर का मतलब ग्रहण करना, जैसे हम माहौल से जो चीज़ें ग्रहण कर लेते, जैसे कोई छोटा बच्चा हो उसको, जिसे कहीं कुछ लोग गाली गलौज देते हो, तो दो छोटे बच्चों को दो दिन वहाँ छोड़ दो तो गाली जल्दा अपने आप सीख जाएगा, तो क्या किया उसने, एक्वायर किया, मतलब ही एक्वायर्ड सच अ बिहेवियर फ्रॉम सोसाइटी फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और कैलेंडर में यहाँ जो ई लगा है, यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में DAR होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या करना है आपको, अपोजिट बताना है किसका, हाइप्ड का। हाइप का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ को ऊपर करना, ऊपर करना मतलब क्या होता, किसी चीज़ में रेज करना, राइज ले आना, इनक्रीज ले आना, ठीक है, क्या होता है उसमें, इनक्रीज ले आना, किसी चीज़ में कोई चीज़ बढ़ जा रही है, तो अप का मतलब भी वही होता है, राइज कराना, मतलब इनक्रीज बढ़ोतरी होती है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, तो ये तो आपका अपोजिट हो गया। डायलेट क्या होता है, डायलेट फैलाना, कभी कहीं आँख दिखाने गए हो किसी आँख के डॉक्टर को, मेरे साथ तो कई बार हो गया, डॉक्टर जब चेक करते हैं तो आँख में एक दवा डालते हैं, तो आपका जो आँख की पुतली होती है जो इतनी बड़ी होती है उसको खोल के कितना इतना बड़ा कर देते हैं, तो वो आँख को फैलाते हैं, तो डायलेट करते हैं उसको। पार्ले क्या होता है, पार्ले मतलब स्टेक, स्टेक मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को दांव पर लगा रहे हो, युधिष्ठिर, जैसे युधिष्ठिर ने क्या हुआ था, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था, तो वही हो गया पार्लेट, ठीक है। चलो आंसर आपका मिल गया है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। सी इज डैश ऑलवेज सबमिट्स हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। तो देखो वो एक लड़की है जो कि हमेशा अपने असाइनमेंट को टाइम पर सबमिट करती है, तो जो अपने असाइनमेंट को टाइम पर सबमिट करती है उसको क्या कहेंगे, टार्डी तो कहेंगे नहीं, क्योंकि टार्डी आदमी क्या होता है, बहुत लेजी होता है, सुस्त होता है, ये तो अपोजिट हो जाएगा, ये लगा नहीं सकते। शेड्यूल्ड, सी पर्सन कैसे शेड्यूल्ड होगा, थिंग होती है, सीज लेट ये भी नहीं होगा क्योंकि असाइनमेंट टाइम पर देती, तो सी इज पंक्चुअल होगा, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। करना क्या है इसमें, वही अंडरलाइन की ये ब्रैकेटेड पार्ट में है, उसको इम्प्रूव करना है, ये लिखा है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो इम्प्रूव करो। देखो क्या लिखा है, दोज माउंट एवरेस्ट, तो पहली बात ये जान लो कि जो एवरेस्ट क्या है, एवरेस्ट एक सिंगल पीक है। सपोज करो हिमालयाज की बात करें तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं ना, ऐसे सब ये हिमालयाज मान लो, हिमालयाज रेंजेज हैं, इसमें इस हिमालयाज की रेंज में हम एक पीक की बात कर रहे हैं, अगर सपोज कर लो एक पीक की बात करोगे तो क्या होगा, ये इसके पहले दा नहीं लग सकता किसी कीमत पर, जब हम पूरे हिमालय की बात करेंगे तब हम इसके पहले दा लगाते हैं, ठीक है। तो एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट एक पीक होगा ना, पहाड़ की एक चोटी हुई, तो एवरेस्ट के पहले पहली बात तो दा नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरी बात, इसका प्लूरल एवरेस्ट नहीं होगा, हिमालयाज होगा बट नॉट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट प्लूरल नहीं होगा तो ये दोज भी नहीं लग सकता किसी भी मत पर, ठीक है। तो ना तो दा लगाना है ना दोज लगाना है, सीधे कहना है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो क्या होगा आपका, माउंट एवरेस्ट होगा, क्लियर है। यहाँ पे एवरेस्ट देखो, ये एवरेस्ट के पहले दा लगा दिया, मैंने कहा था कि एक पहाड़ी के एक चोटी के पहले नहीं लगता है, और उसके बाद जो आ लिखा है आ भी नहीं लगेगा इसके पहले, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो डेफिनेट है, एक निश्चित है, कोई माउंट एवरेस्ट दुनिया भर में 8-10 माउंट एवरेस्ट नहीं है कि हम उसके पहले किसी के पहले आ लगा सकें, एक ही है, इसलिए उसके पहले कुछ नहीं लगेगा, ना दा लगेगा ना आ लगेगा, क्लियर है ना सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे, देखो खाली जगह भरने के लिए, तो लिखा है कि द स्टोरी डैश मी टू मेक अप फैंसी नेम्स फॉर माई सेल्फ। इस स्टोरी ने कुछ ऐसा किया इनके लिए कि अपने फैंसी नेम, जैसे होता नहीं मतलब आदमी तरह तरह के नाम, टिंकू तो हमारा स्टूडेंट है खास, फैंसी नेम जैसे अजीब अजीब टाइप नहीं होते, जैकी जॉली वगैरह वगैरह, मतलब बड़े अजीब गरीब टाइप के नाम फैंसी नेम रखते हैं लोग, ठीक है। तो स्टोरी टोल्ड मी, स्टोरी ने कुछ बताया नहीं है इनको जी, इनको फैंसी नेम रखने के लिए इंस्पायर किया होगा, एक्टिवेट करना, आदमी थोड़े ना एक्टिवेट किया जाता है,
इंस्पायर किया होगा। कोई कहानी पढ़ेंगे उसमें अपना फैंसी नेम रखने के लिए, काल्पनिक नाम रखने के लिए इंस्पायर हुए हैं। स्टोरी डिक्लेयर नहीं करती, किसी को फैंसी नाम रखने के लिए इंस्पायर कर सकती है, प्रेरित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अपोजिट। देखें अप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है, और साइनोनिम किसका बताना है, अपोजिट का साइनोनिम बताना है। ठीक है, अपोजिट का साइनोनिम क्या होगा, अपोजिट का मतलब हो जाएगा विपक्ष में, तो ये एंटागोनिस्टिक हो जाता है। एंटागोनिस्टिक कौन होता है, जैसे प्ले वगैरह देखे होगे ना, फिल्में वगैरह देखे होगे, तो जो उसमें विलेन होता है, विलेन, उसको हम लोग एंटागोनिस्ट कहते हैं। प्रोटैगोनिस्ट हीरो होता है, एंटागोनिस्ट विलेन होता है, तो विरोध में रहता है। एंटागोनिस्टिक मतलब एकदम एनिमी टाइप का होता है आपका, ये होगा। ठीक है, और कॉन्स्पिकस का मतलब क्या होता है, कॉन्स्पिकस मतलब एकदम क्लियर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था अपारेंट मतलब क्लियर बताया था, वैसे कॉन्स्पिकस मतलब क्लियर। नोटिसिएबल का मतलब क्या होता है, उल्लेखनीय, इंपॉर्टेंट बात होगी ना, नोटिसिएबल, एनीथिंग दैट इज वर्थ टू बी नोटेड, तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सिमिलर। सिमिलर तो अपोजिट का, इसका अपोजिट हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, एंटागोनिस्टिक आपका आंसर है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इन्होंने दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड, अ प्लेस ऑफ रेसलिंग। रेसलिंग क्या होता है, कुश्ती, जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती है या WWF वाली फाइट वगैरह होती है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एरेना। एरेना का मतलब क्या होता है, अखाड़ा, जहाँ कुश्ती लड़ते हैं। प्रीमाइज का मतलब क्या होता है, कैंपस होता है। प्रीमाइज मतलब कैंपस, जैसे बैंक प्रीमाइजेज, यूनिवर्सिटी प्रीमाइजेज, कोचिंग प्रीमाइजेज, मतलब प्रांगण, कैंपस, परिसर होता है। हैंगर क्या होता है, जहाँ पर हवाई जहाज खड़े किए जाते हैं, उसको कहते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहाँ बहुत मतलब लाशें दफनाई जाती हैं, उनको कहा जाता है। ठीक हो गया ना प्लेसेस से। अगर प्लेसेस की आपको और चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा मटेरियल चाहिए प्लेसेस का, तो आप हमारा एक वीडियो है, इसी यूट्यूब पर ही होगा, इसी चैनल पर, उसमें हमने प्लेसेस से रिलेटेड मैंने ढेर सारे बताए, कम से कम हमको लगता है 60-70-80 वर्ड होंगे जिसमें प्लेसेस से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक में करना क्या है। देखो सेंटेंस को पहले तो इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें जो खाली जगह है उस जगह पर क्या सुटेबल वर्ड लगेगा ये निकालना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्कर्स कंपेंसेशन, कंपेंसेशन क्या होता है, जैसे किसी वर्कर के पैर में चोट लग गई या किसी कारण उसके हाथ पैर कट गए, तो आगे जो कमाता वो जितना जिंदगी भर, उसके बदले में कंपेंसेशन दिया जाता है, मतलब सांत्वना, उसका भरपाई करने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। तो वर्कर्स कंपेंसेशन बेनिफिट इन पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया क्या होता है, अमेरिका में एक राज्य है, वहाँ पर शुड पे फॉर योर मेडिकल लैस। तो जो वहाँ पे कंपेंसेशन मिलता है, जैसे किसी कर्मचारी को चोट लग गई तो उसका मेडिकल की जो मेडिकल की फीस होती है वो दे देंगे। ठीक है, जितना मेडिकल दवा ववा कराने का जो बिल आता है उसका पैसा दे देंगे। और अ पोर्शन ऑफ योर लॉस्ट वेजेज, लॉस्ट वेजेज मतलब जितने दिन आपकी मजदूरी या कमाई जितना नुकसान होगा, तो पूरी नहीं देंगे, तो 50% हो सकता है दे देते हैं। तो ये होगा, तो पहले में मेडिकल का क्या होता है, मेडिकल का बिल होता है, मेडिकल का रूल होगा, कि मेडिकल का स्टेट होगा, कि मेडिकल का रेगुलेशन होगा। पे कर रहे हैं ना, तो पे कर रहे हैं, पे करने का मतलब बिल पे किया जाएगा ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा, बिल लग जाएगा। एक तो आराम से समझ में आ गया। आगे चलते हैं। However, you cannot be dashed for pain and suffering or other non-financial damages that your illness or injury may dash on you. तो इन्होंने कहा कि पैसा जो मॉनिटरी नुकसान हुआ है, जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, जैसे दवा में आपका जो पैसा लगेगा वो कंपनी दे देगी, ठीक है, और आपकी सैलरी का जो नुकसान होगा उसकी कुछ भरपाई कर पाएंगे, लेकिन आपने जो पेन और सफरिंग, जो आपने तकलीफ उठाई है, जो आपके शरीर में दर्द हुआ, वो नहीं कंपेंसेट हो पाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी कंपेंसेटेड, यही वर्ड हम लगा सकते हैं, कैन नॉट बी कंपेंसेटेड, या बार बार पे करने की बात हो रही है, कैन नॉट बी पेड, जैसे इस तरह का कोई वर्ड आएगा, आपके दर्द और आपकी तकलीफों की भरपाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, या दूसरे जो नॉन फाइनेंशियल डैमेजेज आपके हुए हैं, ठीक है, उसकी भरपाई नहीं हो पाती है, ऐसी कोई इंजरी में डैश यू जो आपके साथ हुई हो। आगे देखो, अब पर्सनल इंजरी या रॉन्गफुल डेथ, अगर कोई पर्सनल इंजरी हुई है, रॉन्गफुल डेथ हुई है, लॉसूट है, तो इस तरह का जो केस आता है, रॉन्गफुल डेथ लॉसूट आता है, जब दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड डैश कंपेंसेशन फॉर इट फॉर द इल वर्कर, ठीक है,
आर सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर। तो जो इल वर्कर होगा या जो सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर होंगे उनको दिया जा सकता है या वो क्लेम कर सकते हैं। इफ़ समवन डैश योर एम्प्लॉयर, ठीक है, तो अगर कोई आदमी जो आपके एम्प्लॉयर के अलावा या आपका कोई कोवर्कर है वांट्स टू ब्लेम फॉर योर इलनेस, ठीक है, तो मतलब आपके एम्प्लॉयर के अलावा, सपोज करिए जिसके यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं उसको छोड़ करके कोई और व्यक्ति है या आपका कोई कोवर्कर है उसके ऊपर आरोप लगता है आपकी इलनेस के लिए, आपकी किसी डैमेज के लिए, तो आप उसको भी क्लेम के लिए परसू कर सकते हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ है आपका। तो पहला फिलर तो हम लोग आराम से भर ही चुके हैं, दूसरे फिलर की ओर चलते हैं। तो दूसरे फिलर में देखो क्या लगाना है, आप बताइए इस वाले फिलर के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं। तो बार बार वही बात हुई है ना कि मतलब यू कैन नॉट बी, आपको कंपेंसेशन दिया जाए, या तो कंपेंसेटेड लगा दो या तो यहाँ पे बार बार पे 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 किया है इन्होंने। अरे पे पे नहीं, पे की बात बार बार हुई है ना, तो उसके लिए आप या तो पेड लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइंड, साइन तो नहीं किया जाएगा यार। रिपुडिएटेड क्या होता है, रिपुडिएटेड का मतलब होता है ना रिजेक्ट कर देना किसी चीज़ को, मतलब बिना एक्सेप्ट ना करना, तो ये तो यहाँ पे लग नहीं पाएगा। पेड यही लग पाएगा, और स्टिफ्ड का मतलब होता है ना चीटेड, किसी ने आपके साथ ठगा हुआ है, तो ये नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, यू कैन नॉट बी पेड, ठीक है, यू कैन नॉट बी पेड फॉर पेन और सफरिंग और नॉन फाइनेंशियल चार्जेस, ये सब हो जाता है। तो अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पर, थर्ड वाले पे, इस वाले पे आप क्या लगाओगे थर्ड वाले पे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा कि दूसरे पेन फॉर पेन और सफरिंग से अदर नॉन फाइनेंशियल डैमेजेज दैट योर इलनेस या योर इंजरी मे डैश यू, तो जो मतलब जो आपकी बीमारी या इंजरी ने आपके साथ किया होगा, तो इंजरी हैज़ कॉज्ड, नहीं ये तो प्लूरल है ना, डैमेजेज लिखा है, डैमेजेज या इंजरी हैज़ कॉज्ड या मे लगा हुआ ना, जब मे लगा है तो मे के साथ तो हैज़ लगा नहीं सकते हैं, ना तो आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, सीधी सी बात है। मे के बाद या तो मे कॉज लगाएं या तो मे हैव कॉज्ड लगाएं। अच्छा रोज की बात तो है नहीं, जैसे कोई आदमी घायल हुआ है तो मे हैव कॉज्ड होगा ना, मे कॉज यू नहीं, मे हैव कॉज्ड यू, ठीक है, जो तकलीफें आपके साथ हुई होंगी तो मे हैव कॉज्ड यू, ठीक है, इसके लिए लगेगा। मे कॉज में तो फिर रेगुलरिटी वाली बात है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तब ऐसा लगता ना, वो है नहीं यहाँ पे। चलिए आगे फोर्थ नंबर पे देखो क्या लगाना है हम लोगों को। फोर्थ नंबर पे देखिए, फोर्थ नंबर पे है आपका, यहाँ देखें पढ़ के जरा, अ पर्सनल इंजरी या रॉन्गफुल डेथ लॉसूट, दूसरी ओर ये ऑन द अदर हैंड को गोली मारो जी, ठीक है, अ पर्सनल इंजरी या रॉन्गफुल डेथ सूट डैश कंपेंसेशन फॉर द इल वर्कर। अच्छा तो क्या करेगा, परमिशन अलाउ, तो हावर्स मतलब के ऊपर मडराना तो है नहीं, अलाउज कंपेंसेशन, हाँ ये हो सकता है, ये कंपेंसेशन की डिमांड को अलाउ कर रहा है। बोस्ट मतलब डींगे मारना होगा नहीं, होस्ट मतलब मेहमान नवाजी करना बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक पर्सनल इंजरी या रॉन्गफुल डेथ अगर डेथ पर सूट लॉसूट है तो अलाउज कंपेंसेशन फॉर द इल वर्कर और सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर्स, या किसी की डेथ हो गई तो उसके परिवार वालों को मिल जाता है, उसमें ये अलाउ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ क्या करना होगा, यहीं से स्टार्ट ही हो रहा है, अंदाजा नहीं ये स्टार्ट नहीं हो रहा, ये बीच का ही है मैटर, ये तो हो गया। अब लिखो इफ समवन डैश योर एम्प्लॉयर, इन्होंने क्या कि अभी इन्होंने ये क्या दिया ना कि एम्प्लॉयर या लिखा योर कोवर्कर, कोवर्कर का मतलब क्या हुआ, आपके साथ में काम करने वाला, तो यहाँ एम्प्लॉय नहीं होगा, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके एम्प्लॉयर के अलावा या कोवर्कर के अलावा आपको कोई डैमेज वगैरह करता है तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं। तो बिसाइड योर नहीं, बिसाइड योर एम्प्लॉयर मतलब तो एम्प्लॉयर के बगल में हो जाएगा, बियॉन्ड योर एम्प्लॉयर भी नहीं लेगा, अलॉन्ग के साथ विद लगता तब ये हो पाता, ऐसे नहीं हो पाएगा। बिसाइड्स में तो होता ना के अलावा, एक्सेप्ट योर एम्प्लॉयर, तो ये चौथा वाला लग सकता है बड़े आराम से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए, 5 क्या कुल मिला के 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं आज के। तो ये था हमारा 19 का सेट नंबर 2, अब इसके बाद 19 का सेट नंबर 3 बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधे जून में पहुँच जाएंगे। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, आप अपनी राय दीजिएगा कैसा वीडियो लगा, आप दोस्तों को शेयर करिए और हमें कमेंट करिए, कोई चीज़ इसमें गड़बड़ लगी हो तो उसके लिए आप सुझाव भी दे सकते हैं।
ठीक है, फिर वही जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि रात में 10 बजे फिर हम लोग मिलते हैं CHSL के फिलर्स के लिए, CHSL 2023 के जितने भी फिलर्स हैं उनको करने के लिए, ठीक है। तो अगली मुलाकात रात में 10 बजे होगी और आई होप कि आप लोग हमारे साथ होंगे। चलिए तो रात में 10 बजे तक के लिए ये सेशन अब वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे तब, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।